नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का भाग पांचवा। हमने अभी तक चार पार्ट्स किए हैं। चार पार्ट्स के अंदर हमने उपकरण के बारे में प्रश्न पढ़े थे, उसके बाद में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वो लाइन से संबंधित थे। आज हम जो लाइन से संबंधित प्रश्न और जो ज्योमेट्रिकल फिगर से संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो उन प्रश्नों को वन बाय वन हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सूची स्तंभ के सभी त्रिक फलक कैसे होते हैं। सूची स्तंभ का मतलब हो गया आपको एक बात कह रहा है पिरामिड की। किसकी बात हो गई भाई? पिरामिड की। तो पिरामिड आप जानते हो कि नीचे से तो आपके पास बहुभुज है और ऊपर से क्या होता है, एक बिंदु पे जाके मिलता है। जब एक बिंदु पे मिलता है तो इसकी सारी सतह क्या हो जाती है भाई? त्रिभुजाकार बन जाती है। तो सारी सतह त्रिभुजाकार बन जाती है, इस कारण सूची स्तंभ के सभी त्रिक फलक जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। जैसे मान लो इसके नीचे का भाग आप वर्ग रख लेते हैं या आयत रख लेते हैं, फिर भी ये किसी बिंदु पे जाके मिलेगी। तो एक तो ये लाइन हो गई और ये देखो लाइन। अब ये जो साइड वाला भाग क्या बनेगा भाई? त्रिभुजाकार। तो ये साइड वाला भाग त्रिभुजाकार बनेगा। आप इसको यहां पर मिलाओगे तो भी क्या बन जाएगा? त्रिभुजाकार। और इसको यहां पर मिलाओगे तो भी त्रिभुजाकार। तो सूची स्तंभ के सभी त्रिक फलक सदैव क्या कहलाते हैं? त्रिभुजाकार कहलाते हैं। तो आप थोड़ा डिफरेंस करके रखिए, एक होता है अपने पास प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। तो सूची स्तंभ की बात का मतलब हो गया पिरामिड। प्रिज्म वो होता है जिसके ऊपर और नीचे दोनों सतह पर बहुभुज समान होते हैं। यदि नीचे आपके पास वर्ग है तो ऊपर भी आपके पास वर्ग ही होगा और उसकी भुजाओं को इस प्रकार मिला दिया जाता है। तो ये कहलाता हमारे पास पिरामिड, प्रिज्म। और ये हमारे पास भाग रह गया पिरामिड। तो सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड, पिरामिड में एक बिंदु पे जाके मिलना होता है। और यहां पर प्रिज्म में क्या होता है कि नीचे और ऊपरी सतह क्या रहती है? सेम। तो ये हमारे पास रह जाएगा प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म का अर्थ हो गया कि नीचे आपके पास क्या बना हुआ है? एक त्रिभुज बना हुआ है और प्रिज्म है तो ऊपर भी अपने पास क्या रहेगा भाई? समान आकृति रहेगी तो ऊपर भी क्या रहेगा? त्रिभुज रहेगा। अब इसकी सतह को मिलाओगे तो आप सतह को मिलाओगे तो इस प्रकार आपने सारी सतह का मिला दिया। तो आपके पास देखो एक तो ऊपर की सतह और एक नीचे की सतह, कितनी सतह हो गई? दो। ये तो ऑलवेज रहती है। अब यदि आपने त्रिभुज मिलाया है तो प्लस क्या हो जाएगा? तीन, क्योंकि साइड की सतह तीन है। यदि आप चतुर्भुज मिलाते तो साइड की सतह हो जाती है चार। तो दो प्लस तीन बराबर यहां पर कितना आंसर आ जाएगा? पांच। तो करेक्ट आंसर इज फाइव। यदि मान लो आपको कहता है एक वर्गाकार प्रिज्म है तो आप कहते हैं एक ऊपर की सतह, एक नीचे की सतह, दो सतह, ये हुई। लेकिन आपको वर्गाकार दे दिया तो साइड की सतह कितनी हो जाती है? चार। तो आंसर क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। यदि आपको पंचभुज दे दिया तो दो तो सतह फिक्स हो गई आपके। यदि पंचभुज दे दिया तो साइड की सतह हो जाएगी पांच। तो पांच और दो सात, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके आंसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह है? अभी हमने चर्चा की थी वर्गाकार में, यदि दो तो अपने पास ऊपर और नीचे की सतह रहेगी और चार हमारे पास वर्गाकार में साइड की रहेगी, तो टोटल सतह कितनी आ जाएगी? छह। तो आंसर आपका पास आएगा सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस सिंगल कर्ड सतह, एक ठोस सिंगल कर्ड सतह है यानी कि जो मुड़ा हुआ भाग है से घिरे होते हैं, तो उसे अनरोल करने पर कैसी होती है? ठोस सिंगल कर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठोस सिंगल कर्ड का एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लो मैंने एक ले लिया बेलन। अब बेलनाकार आकृति होती है तो आप जानते हो इसके बेलनाकार आकृति के बारे में। तो जो बेलनाकार आकृति है इसको एक भाग को यहां पर काट करके इसको यदि अनरोल करते हैं तो आपके पास इस प्रकार एक आयताकार भाग बन जाएगा। यानी आप कागज को यदि दोनों भागों से इसको इस तरह मरोड़ोगे और इसको इस तरह मरोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेलन की आकृति बन जाती है। या आप दूसरा भाग ले लें शंकु, शंकु को भी क्या होता है, कागज को इस प्रकार मोड़ोगे तो शंकु बन जाएगा। तो इसका अर्थ यह हो गया कि कुछ ठोस सिंगल कर्ड होती है कोई भी, जैसे मान लो बेलन और शंकु है, उसको यदि अनरोल कर देते हैं, खोल देते हैं, खोलने पर हमारे पास कैसी आकृति निर्माण होता है? प्लेन का। यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ चित्र में कुछ सॉलिड दिए गए हैं, इनमें से हेक्सा हेड्रोन कौन सा है? चित्र में कुछ आपको सॉलिड दर्शा दिए गए हैं, इसमें आपको हेक्सा हेड्रोन के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा हेक्सा हेड्रोन है। तो सबसे पहली बात है कि आप हेक्सा हेड्रोन के बारे में क्या समझते हैं? हेक्सा हेड्रोन के बारे में आप समझते हैं क्या है? जिसकी सतह कितनी है? छह। छह सतह होती है वो क्या कहलाएगा हमारे पास? हेक्सा हेड्रोन। अब आपके पास ये जो है इसमें एक सतह नीचे की, तीन सतह ऊपर की, टोटल सतह कितनी होगी? चार।
और यहां पर देखो ये क्यूब बन गए, यहाँ सतह कितनी हो गई, छह। तो हेक्साहेड्रॉन आंसर क्या हो जाएगा भाई, जिसकी सतह छह है, तो ये हमारे पास क्या लगेगा, हेक्साहेड्रॉन। और इसमें देखो कि सतह कितनी हो गई भाई, एक दो तीन चार पांच छह, दो इधर पूछे छुपी हुई है, सात और आठ, इस प्रकार सतह है। तो क्योंकि ये भाग भी था ना जो यहां पर मिलेगा, तो टोटल आठ सतह बन जाती है। तो हेक्साहेड्रॉन आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। हेक्साहेड्रॉन के अंदर हमारे पास छह समान वर्गाकार फलक होते हैं, उस समय हेक्साहेड्रॉन कहते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर आठ होते हैं। तो सी के बारे में यदि हम बात करते तो सी आंसर होता ऑक्टाहेड्रॉन का। किसका होता है भाई, ऑक्टाहेड्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है वह कौन सा है, यानी कि नियमित ठोस फलक जो सबसे कम फलक रखता है वो क्या कहलाता है हमारे पास। सबसे पहला है घन, सतह कितनी रहती है भाई, छह। या दूसरा कहता है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में सतह कितनी हो गई, छह। त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, अच्छा स्क्वायर पिरामिड है, पिरामिड में हमारे पास देखो स्क्वायर चार एक पांच हो जाएगी, त्रिभुजाकार पिरामिड में भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पांच। और चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन के अंदर कितनी होती है, चार। तो आंसर आएगा हमारे पास नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम सतह रखता है वो कहलाता है चतुष्फलक। क्यूब के अंदर देखो सतह कितनी होती है, छह। वर्गाकार सूची स्तंभ, वर्गाकार पिरामिड का मतलब है कि नीचे तो आपका वर्ग है और ऊपर एक बिंदु पर मिला दिया, तो साइड की चार सतह प्लस एक नीचे वाली टोटल सतह कितनी हो जाएगी, पांच। त्रिभुजाकार प्रिज्म में ऊपर और नीचे सतह कितनी हो गई, दो, और साइड की तीन, ये भी कितनी हो गई, पांच। और तो चतुष्फलक यानी कि टेट्राहेड्रॉन इसका आंसर होगा, जो नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियमित बहुभुज क्या होते हैं, दो भुजों वाली, तीन भुजों वाली, चार भुजों वाली, नियमित बहुभुज कौन सा होता है, जो दो भुजों वाली आकृति होती है, तीन भुजों वाली होती है, चार भुजा, या चार से अधिक भुजों वाली होती है वो नियमित कहलाती है। तो आंसर होगा नियमित बहुभुजा होती है वो जिसमें चार से अधिक फलक होते हैं। तो चार से अधिक फलक हमारे पास आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। डी में चार से अधिक फलक है। अब चार से अधिक फलक का अलग अलग सब नाम रहेगा, जैसे हेप्टागन का मतलब हो गया सात, हेक्सागन का मतलब छह, पेंटागन का मतलब पांच, ऑक्टागन का मतलब आठ, नैनोगन का मतलब नौ, और डेकागन का मतलब दस, अनडेकागन का मतलब ग्यारह, और डुआडेकागन का मतलब बारह। इस प्रकार इसकी सतह रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड के फेस किस आकार के होते हैं, पिरामिड के फेस, पिरामिड के जो फेस होते हैं, यानी पिरामिड का मतलब एक बिंदु पे जाके ऊपर की भाग पर मिलते हैं, इसके होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। पिरामिड के फेस कैसे होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे अगला सवाल है, बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है, निम्न में से कौन सपाट चित्र हेप्टागन है। तो सबसे पहली बात तो ये समझते हैं हेप्टागन का आंसर तो दे देंगे, भुजा कितनी होनी चाहिए, सात। इसके अंदर कितनी है भाई, एक दो तीन चार एंड पांच, इसके अंदर तो पांच है, और यहां पर इसमें भुजा छह है, और यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छह एंड सात, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। हेप्टागन का आंसर हो जाएगा सी। यदि आपको पूछ ले कि जैसे मान लो ये पेंटागन है, पेंटागन का यदि सम पंचभुज है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, आप जानते हो सभी बाह्य कोणों योग कितना होता है, 360। तो टोटल कितना है, पांच। तो 360 में भाग दे दो आप पांच का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 360 भाग दिया सात बार, सात और दो बोतल, कितना डिग्री है, 72 डिग्री। इसी प्रकार आपको यदि हेप्टागन के अंदर पूछ लेते हैं तो आप कहेंगे कि भाई ये पूछा जाए 360 में भाग दे दो पांच का, बराबर आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस और शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर, वह क्या कहलाती है, यानी वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। वह आकृति जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर होते हैं, जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर होते हैं उसे कहते हैं समकोण ठोस आकृति, समकोण ठोस आकृति। शीर्ष के फेस लंबाई के बराबर, यानी कि बात करते हैं हम क्यूब की, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूब का भाग हो जाएगा, जिसके शीर्ष के फेस लंबाई के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये समकोण ठोस आकृति कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक का अर्थ क्या होता है, जो आपको ये प्रतीक दे दिया है, सर्कल है, सर्कल के अंदर आपको दो क्रॉस दिख रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये गोलाई दर्शाता है राउंडनेस, या ये कोएक्सिलिटी दर्शाता है, या पोजीशन दर्शाता है, या सहकेंद्रता दर्शाता है। तो आप देखेंगे ये स्थिति को
दर्शाता है, ये स्थिति दर्शाता है कि यहां पर केंद्र है, तो ये स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमाकित चित्र के किस भाग में त्रुटि है, तो ये अपने पास अलग अलग भाग में विमाकन किया गया है और आपको ये पूछा गया है कि जो आपको ये विमाकन दिया गया है इसमें से कौन से भाग के अंदर त्रुटि है, वो त्रुटि वाली जगह आपको बतानी है। सबसे पहले कह रहा है कि पहले भाग में, पहला भाग का मतलब ये यहाँ पर है, ये तो लेड लाइन है, इन्होंने कह दिया ये लेड लाइन है, तीन होल है सब बराबर है और देखो भाई बराबर 12 डायमीटर 12 है, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि फाइव बराबर 65, तो ये इसमें त्रुटि है क्योंकि इसकी इस आकृति को दर्शाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, लेड लाइन का प्रयोग करना चाहिए। लेड लाइन आपको यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं और इसकी स्थिति को दर्शा सकते हैं, फाइव 65 इस प्रकार लिखना होता है, बीच में आप अंदर इसके मान नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका सेकंड की स्थिति है वो क्या है गलत है और पहले की स्थिति क्या है सही। अगला एरो का तरीका कौन सा सही तरीका है, पहले में देखो कि आपके पास यहाँ पर कुछ गैप छोड़ दिया गया, ये नहीं होना चाहिए तो गलत हो गया, ये क्रॉस कर गए ये भी गलत हो गया, ये बराबर मिला हो तो आंसर सही है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों को प्राय किस नाम से संबोधित किया जाता है, अक्षरों को प्राय किस नाम से, अपर केस से किया जाता है या लोअर केस से किया जाता है या दोनों से किया जाता है। आप जानते हो कि अक्षर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टाइप ए और दूसरा होता है टाइप बी। जो टाइप ए और टाइप बी अक्षर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो टाइप ए जो होते हैं वो छोटे अक्षर बड़े अक्षर होते हैं, टाइप बी भी क्या होते हैं छोटे अक्षर और बड़े अक्षर होते हैं। जो टाइप ए और बी है इनमें छोटे और बड़े अक्षर दोनों प्रकार का प्रयोग लिया जाता है, अपर केस और लोअर केस दोनों प्रयोग लेंगे तो आंसर क्या आएगा उपरोक्त दोनों। जो टाइप ए केस के अक्षर होते हैं ये रूट दो के प्रगतिशील होते हैं, इस कारण इनका मान होता है हमारे पास 1.4 या 3.5 या 7 या 14, जबकि जो टाइप बी के अक्षर होते हैं इनका साइज होती है 2.5 5 10 एंड 20, ये mm जो भी साइज मैंने लिखी है वो सब क्या होती है mm के अंदर होती है, तो अक्षरों को प्राय स्मॉल एंड कैपिटल केस दोनों के अंदर किए जाते हैं। ये अभियांत्रिकी रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर के प्राप्त होते हैं, तो अभियांत्रिकी कई प्रकार के अक्षर प्राप्त होते हैं, जैसे आपको दे दिया गोथिक दे दिया रोमन दे दिया आपको टेक्स्ट दे दिया और इथालिक दे दिया, तो अभियांत्रिकी रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर के प्रकार कौन से होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये लिखना, इसमें एक लिखना पड़ता है क्योंकि ये सारों टाइप होते हैं, गोथिक भी टाइप होता है, रोमन भी टाइप होता है, इटालिक भी टाइप होता है, टेक्स्ट भी टाइप होगा, इसका आंसर हम इस प्रकार नहीं दे सकते हैं जब तक कि अपना पर्सन में पूरा लाइन नहीं लिखी हुई है। पर्सन के अंदर यहाँ एबीसीडी अंकित थी या एबीसीडी अंकित होगी, जैसे मान लो ए बी सी डी इस प्रकार, तो वो पूछा जाता है कौन सी थी, ठीक है, तो उसका हमें आंसर देना है। यदि हमारे पास अक्षर सिंगल स्ट्रोक थे और उद्धरोकर लिखे हुए थे तो हमारे पास क्या रहता है भाई रोमन, रोमन जो अक्षर होते हैं इनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। रोमन अक्षर दिखने में सुंदर होते हैं, इनको लिखने में समय ज्यादा लगता है, ये कहीं से पतले और कहीं से क्या हो जाते हैं मोटे होते हैं, तो ये अक्षर क्या कहलाते हैं हमारे पास रोमन कहलाते हैं। जो गोथिक अक्षर होते हैं ये डबल स्ट्रोक होते हैं, द्विआघात होते हैं, डबल स्ट्रोक होते हैं, इसे वर्गाकार रूप में लिखा जाता है, और इटालिक होते हैं वो तिरछे एंगल से झुके होते हैं, ये 75 डिग्री से तिरछे झुके रहते हैं इटालिक, और इटालिक जो होते हैं सिंगल स्ट्रोक एंड डबल स्ट्रोक दोनों होते हैं। टेक्स्ट को जनरली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के पुराने अक्षरों का, जैसे आप लिखते हैं देखते हैं ना द गैजेट ऑफ इंडिया जो नाम लिखा आता है वो अलग से फॉन्ट से दिखते हैं ना, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं टेक्स्ट, जो जर्मन भाषा और अंग्रेजी के पुराने भाषा शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियांत्रिकी रेखा चित्र में अनेक प्रकार के अक्षर होते हैं, नीचे दिए गए अक्षर की शैली को पहचानिए। ये जो शैली दी गई है ये आपके पास एबीसीडी, ये कहीं से पतले कहीं से मोटे हैं, तो इस प्रकार ये रोमन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन, ए प्रकार के अक्षरों के मध्य कम से कम कितना उचित अंतर होना चाहिए, ए प्रकार के अक्षरों के मध्य, देखो शब्दों के मध्य अलग होता है अक्षरों के मध्य अलग होता है, तो ए प्रकार के जो दो शब्द लिखे जाते हैं उन दो शब्दों के बीच का अंतर, दो शब्दों के बीच का अंतर जो होता है वो हमारे पास होता है 6/14 और दो अक्षरों के बीच में अंतर होता है 2/14,
तो दो अक्षरों के मध्य कम से कम कितना अंतर होना चाहिए, 2/14। ध्यान रखना दो अक्षर का मतलब है, जैसे मान लो ए बी सी लिख दिया, ये तो ए और बी के बीच दो अक्षर हो गए। अब ये एक शब्द बन गया और यहाँ पर भी एक शब्द बन लिया, मैंने लिख दिया सी डी ई, इन दोनों के बीच होगा तो ये दो शब्दों के बीच कहलाएगा। तो आंसर होगा 2/14, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है? तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण होता है 75 डिग्री। तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण कितना होता है भाई? 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अक्षरांकन पद्धति में डी बराबर एच बटा 10 होता है? एच बटा 10 होता है टाइप बी में, टाइप ए में हमारे पास होता है एच बटा 14, टाइप बी में होता है एच बटा 10। अक्षरांकन ए विधि में पंक्ति मोटे डी का मान क्या है? पंक्ति की मोटे यानी कि डी का मान पूछा है। डी बराबर देखो ए में हमारे पास आएगा एच बटा 14 और टाइप बी में पूछते तो एच बटा 10, तो आपको पूछा टाइप ए का है तो आप कहेंगे एच बटा 14, तो आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। तो अगले वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट भाग करेंगे।